मास्टर प्लस टू में उपस्थित हैं, बिहार में, बिहार की धरती पे उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि भोजपुरी जगत में नया नया इतिहास रचने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त मौजूद हैं कृष्णा जैक, यानी कि कॉमेडी के बादशाह कह लीजिए, हंसने हैं। देख सकते हैं यहाँ कैमरा लगा हुआ है, कृष्णा जी हैं, उधर फीमेल आर्टिस्ट है, यानी कि कह लिया जाए तो पूरा सेट यहाँ तैयार हुआ है। कृष्णा जी से बात करेंगे। कृष्णा जी, क्या माहौल बना है, कौन सा एल्बम शूट कर रहे हैं या कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं? ये गाने का शूट चल रहा है जिसमें हमारे दीपू भाई कैमरा मैन, चंद्र भैया कैमरा मैन और विशाल भाई डांस डायरेक्टर है। तो बहुत जल्दी ये वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। गाना है सोरा म्यूजिक पे आएगा ये गाना, और सोरा म्यूजिक ऑनर दिया है और बहुत अच्छा कोशिश किए हैं इस बार विशाल भाई, दीपू भाई, हमारे जितेंद्र भाई, इन्हीं लोगों के सहयोग से आज हम लोग गाना कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डांस भी देखने को मिलेगा। एक अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, आप सब समाज में भी देख सकते हैं और इसी चीज़ को कोशिश करके हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे, चूंकि कॉमेडी वीडियो ही दर्शक देखते हैं, लेकिन आपके इस फिल्म की लाइन में यानी कि फिल्म की दुनिया में पहली एल्बम है या इसके पहले भी एल्बम बनाई है? एल्बम बहुत सारी आई है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सारी एल्बम से टॉप एल्बम हम ये अभी कर रहे हैं लोग, इसमें हम लोग अपने रूरल एरिया में ही कोरियोग्राफर करते हैं जिसके तौर पर विशाल भाई कैमरा मैन रखते हैं, जिसके तौर पर हमारे भाई चंद्र भाई हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बड़ा करने के लिए ही हम लोग ये सब किए हैं। तो आप सब देखिए, कृष्णा जी, जहाँ तक देखा जाता है भोजपुरी को आप कितने दिल से समझते हैं और कितना भोजपुरी को सम्मान देते हैं? भोजपुरी को हम बहुत सम्मान देते हैं और भोजपुरी को हम नहीं चाहते कि कभी गंदा हो, और उसे हम साफ सुथरा बनाकर लेकर चलना चाहते हैं। तो क्यों भोजपुरी को लोग बदनाम करने पर उतारू हो गए हैं? देखा जाता है नंगा पुंगा वीडियो, नंगा पुंगा गाना, नंगा पुंगा अशब्द का प्रयोग किया जाता है, क्यों आप लोग नहीं इस पर सवाल उठाते हैं? ये क्या बात है ना, ये सब जल्दी से ट्रेंड करने का जो तरीका बन गया है। पहले लोग मेहनत करके आता था और आज लोग बदन दिखा के आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक पाने के लिए आज मतलब बरसों बरसों लग जाते थे, लेकिन आज 799 रुपये में आपको ब्लू टिक मिल जाता है इंस्टाग्राम पे। तो कहीं ना कहीं कला को ये कदर नहीं हो रहा है। कृष्णा जी, कब से आप इंडस्ट्री क्षेत्र में यानी कि कलाकार की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में कब से हैं? 3 साल है। 3 साल। सबसे फेवरेट आपका कलाकार कौन है? ये हमारे लिए सारे लोग बेस्ट हैं, कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हम ये किसी को श्रेय नहीं दे सकते। सारे लोग बेस्ट हैं क्योंकि मार्केट में सबका वीडियो होम पेज पे आता है और सबका वीडियो देखते हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग बेस्ट हैं। आगे क्या प्लानिंग है? आगे बस आप सबको अच्छा से अच्छा इंटरटेन करें और ये सारी इंटरटेन करने की कोशिश। चूंकि कृष्णा जी सेट पे हैं और काफी इनका समय जो है महत्वपूर्ण है, शूटिंग चल रहा है, और एक कॉमेडियन है ब्रिजेश जी, अमरेश जी, चूंकि कृष्णा जैक के साथ भी अमरेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे सर कॉमेडी को लेकर, क्या बताना चाहेंगे कृष्णा जी? कॉमेडी तो लेकर दुनिया हम देख रहे हैं, कॉमेडी तो कॉमेडी है, ताज दुनिया देख रही है कॉमेडी, कॉमेडी और अच्छा बने। भोजपुरी में क्यों बलगटी ज्यादा हो रहा है? ये तो आप ही देख रहे हैं, शब्द का कुछ प्रयोग है जो दो तरफ का शब्द लोग बोलते हैं उसमें। तो आइए सौरा म्यूजिक के ओनर यानी डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कृष्णा जैक को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, क्या कहना चाहेंगे सर कृष्णा जैक के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, प्यार दुलार दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करिए कृष्णा भाई को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और कुछ अब की बार अलग लेके आने वाले हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सौरा म्यूजिक पे आने वाला है। सौरा म्यूजिक पे कौन सा धमाल मचाने वाला है, कौन सा गाना आने वाला है और लोग क्यों देखें इसे? क्योंकि पूरा साफ सुथरा है, अश्लीलता से दूर है, फैमिली में भी इस गाने को सुन सकते हैं। अभी भोजपुरी में जैसे गाना आ रहा है लोग फैमिली में नहीं सुन सकता है, इसको सब जगह सुना जा सकता है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन की तरह एक्टिंग करना आप चाहते हैं? हम कृष्णा जैक की तरह ही एक्टिंग करते हैं, और कृष्णा कोई भी एक्टर आपके अंदर हो या उनकी तरह बनना, ये तो मिमिक्री हो गया ना जी, कि हम इनका मिमिक्री करें, हम ये सब नहीं कोशिश करते हैं। हाँ ये है कि सोशल मीडिया का कुछ डायलॉग उठाते हैं बट अपने अंदाज में करते हैं। कोई डायलॉग हो जो दर्शक को सुना सके? बस यही है कि नहाए के बाद बीच दरिया में नहा, अरिया में का रखल बा, प्यार करे के बाद हमारा से करो हे करिया में का रखल बा। कृष्णा जैक जो कि खुद अपने आप में माहिर हैं, और बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज इन्होंने उठकर यूपी बिहार में जो शोहरत कमाई है वो काबिले तारीफ है।
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर ताकत कह दिया जाए तो सीधा साक्षात आपको देखने को मिला है। सर क्या कहना चाहेंगे, कृष्णा जय कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। इनका कार्य करने का तरीका कैसा होता है? बहुत एटीट्यूड की बात कर लिया कैसा रहता है? थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है। हाँ नहीं, देखा जाता है कि कुछ चंद कलाकार हैं जो आज सोशल मीडिया, जैसे कि कृष्णा जय उठ के आज आसमान की बुलंदी छू चुके हैं, उसी तरह के कुछ कलाकार हैं जिससे मीडिया वाले बात करते हैं तो शायद उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कलाकार के पक्ष में यही कहेंगे कि कलाकार लोग भी अपना काम करता है, और जो भी बड़े भाई मिलने जाते हैं नहीं मिल पाते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है, कोई कहते हैं कि चलो जैसे हम नहीं मिल पाए वैसे जो है कि उनका भी टाइम का पाबंद है तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे किसी को बुरा लग जाता है तो लोग बदनाम करते हैं। फिल्म कब बनाने वाले हैं? देखिए हम इसमें यही कहेंगे कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑफर नहीं आया है, ऑफर आएगा तो हम करेंगे। यानी कि किसी बड़े प्रोड्यूसर का ऑफर आता है तो आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी तक नहीं आया है। जो लोग भोजपुरी को अश्लीलता के तहत यानी बदनाम करने को उतारू है उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम यही कहेंगे कि आप लोग कला दिखा के आगे आइए, बस ये सब करने से कुछ होता नहीं है, एक दिन के हेडलाइन बनने से कोई फायदा नहीं है, एक दिन के तूफान बनने से कोई फायदा नहीं है, बनना है तो हर रोज का तूफान बनिए, बस यही। धन्यवाद कृष्णा जी, आपके सेट पे हम उपस्थित हैं चूंकि बहुत ही व्यस्त समय में इन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि शूट चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण गाने का शूटिंग चल रहा है। तो एक कृष्णा जी का पूरा सेट है, देख सकते हैं उधर फीमेल आर्टिस्ट भी प्रैक्टिस में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि जो मेहनत करता है वो रियल हीरो होता है, यानी कि कृष्णा जैक सोशल मीडिया पे कितने तेजी से अपनी एक्टिविटी दिखाए हैं लोगों के बीच में, यानी कि 33 करोड़ जनता के भोजपुरिया दिलों पे राज किए हैं, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। और ये किसी रुपये पैसे से या किसी बदन दिखा देने से या किसी अश्लीलता परोस देने से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इन्होंने मेहनत किया है तो जाके आज इसका नतीजा मिला है कि यूपी बिहार के दिलों पे राज कर रहे हैं। कृष्णा जैक भोजपुरी समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप है जो आज के दिनों में हाईलाइट हो रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बना के, अश्लील वीडियो दिखा के, अश्लील शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन कृष्णा जी बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, हास्य वीडियो बनाते हैं, जो कॉमेडी वीडियो होता है साफ सुथरा होता है। क्या कहना चाहेंगे आज कृष्णा जैक के साथ काम करेंगे आप? उनके साथ काम करके तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देते हैं लोग, बहुत अच्छा काम कराते हैं लोग और बहुत कुछ सिखाए हैं लोग हमको। पहला एल्बम कर रही है या बहुत सारे एल्बम? बहुत सारे हम इनके साथ कर चुके हैं। अच्छा, इनके साथ किए हैं और अन्य लोगों के साथ? अन्य लोगों के साथ किए हैं। अन्य लोगों के साथ करने में और इनके साथ काम करने में क्या अंतर? बहुत अंतर है, मतलब वहाँ है कि जाते हैं जैसे नहीं अपनापन यहाँ दिखता है, वहाँ नहीं दिखता है, वहाँ गई काम करके अपने काम से काम, मतलब यहाँ पे लगता है कि अपने लोगों के पास। कौन सा गाना शूट चल रहा है? गाना तो हम नहीं बता सकते हैं अभी, बट शीला हुका उसी पे है सॉन्ग, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, आप सब प्यार दीजिए गाना। तो ये है इस फिल्म की इस गाने की आर्टिस्ट, इस सॉन्ग की आर्टिस्ट है, जो इन्होंने बताया कि ट्रैक है शीला हाउ का, जो काफ़ी चर्चित है, जो मणि विराज जी का गाना है उसी ट्रैक का ये गाना है। और मैं भी कहूँगा कि इनके गाने को कृष्णा जैक को और इनको ढेर सारा प्यार दें और इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।